दोस्तों बड़ी खबर लेकर आए हैं। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की बड़ी मिलीभगत सामने निकल के आई सरकार के साथ, और तब से ही वह मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। उनके खिलाफ अब नई याचिका दायर की गई है। इस बार वह अकेले नहीं है जिनका नाम याचिका में है, लेकिन उनके साथ उनके पूर्व सहयोगी जज रहे उनका भी नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है पूर्व जज एस अब्दुल नजीर की, जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। इन दोनों जजों के खिलाफ नई याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले भी गोगोई को राज्यसभा से बर्खास्त करने की मांग हो चुकी है और याचिका भी पहुंच चुकी है, और अब यह दूसरी याचिका भी दायर की गई है जिसमें उनके साथी का भी नाम शामिल है। इस बार याचिका में दोस्तों यहां पर सामाजिक संस्था ने आरोप लगाया कि गोगोई और उनके सहयोगी रहे जज ने सरकार के लिए काम किया है और न्याय को प्रभावित किया है, और इसलिए उन्हें लाभ का पद दिया गया है। गौरतलब है पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट से 28 जज रिटायर हुए हैं, जिनमें से 21% जजों को उनके मन माफिक नियुक्ति मिली है। ये 21% जज वही है दोस्तों जो सरकार के लिए काम कर रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया है याचिका में। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की याचिकाओं के समर्थन में हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।